न्यूबॉर्न बेबी के गार्मेंट के बारे में जानकारी लेंगे। न्यूबॉर्न बेबी का मतलब है नवजात शिशु। अब नवजात शिशु की जब बात आती है तो हमें ये देखना होता है कि हम कितने प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो बिब है वो नवजात बेबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जो हमारा बिब है उसकी मेजरमेंट हमारी जो स्टैंडर्ड होती है वो 18 है, 18 इंच ये हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। इसी मेजरमेंट के ऊपर हमारा सारी ड्राफ्टिंग जो है बनके तैयार होगी। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग बनाना तैयार करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी गार्मेंट की ड्राफ्टिंग करते समय लेंथ लेते हैं। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, 18 इंच है हमारी चेस्ट, तो हमारा जो लेंथ है वो हमारी लेंथ निकलेगी चेस्ट का 3 प्लस 1.5। चेस्ट हमारी कितनी है 18 इंच। जब हम 18 इंच को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 इंच, प्लस हमें क्या करना है 1.5 इंच। टोटल हो गया हमारा 7.5 इंच। तो जो हमारे टोटल लेंथ निकल के आई वो क्या है 7.5 इंच। हमारे बिब की जो लेंथ है वो हमने लेनी है 7.5 इंच। इज दैट क्लियर। उसके बाद हमें निकालनी है बिब की विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई। विड्थ निकालने के लिए आपका जो फॉर्मेट है, विड्थ हमारी निकलेगी चेस्ट का 6 प्लस 1.5 इंच। चेस्ट का 6 कितना होगा 3 इंच प्लस 1.5 इंच, टोटल हमारा हो गया 4.5 इंच। तो जो हमारी विड्थ निकल के आई वो क्या है 4.5 इंच। ये हमने यहां से 4.5 इंच की इसकी चौड़ाई ले ली। लेंथ हमारी आई 7.5 इंच, विड्थ हमारी आई 4.5 इंच। हमें ये इस तरीके का एक खाका बना लेना है। उसके बाद हमारी यहां से यहां तक लेंथ हुई कितनी है, ये यहां से यहां तक हमारी जो फुल लेंथ है, फुल लेंथ हमारी है 7.5 इंच। विड्थ हमारी कितनी है यहां से यहां तक 4.5 इंच। अब हमें मेन जो लाइन ड्रॉ करनी है उसको फोकस करना है। ये हमारा जो कॉर्नर है ये वाला ऊपर का, ये वाली हमारी जो है फोल्ड साइड है, ये हमारी ओपन साइड है। अब ये जो ऊपर का कॉर्नर है यहां से 3 सेंटीमीटर एक निशान लगाना है यहां से आगे की तरफ। अब इसी कॉर्नर से नीचे की तरफ हमें 2.5 सेंटीमीटर निशान लगाना है। इस निशान को और इस निशान को दोनों को मिलाना है ऐसे। अब ये जो हमारा 2.5 का हमें एक चिन्ह मिला है, इससे हमें चेस्ट का 12 निकाल के नीचे आना है। चेस्ट का 12 कितना होगा हमारा, चेस्ट का 12, चेस्ट का 12 हमारा कितना होगा 1.5 इंच। जब हमें चेस्ट हमें मिली हुई है तो उसी पे हमारा जो सारा ड्राफ्ट है वो बनता है।
चेस्ट का 12 निकला 1.5, इस डॉट से 1.5 नीचे आना है, रिपीट 1.5 फिर आना है। ध्यान से देखो, यहां से 1.5 फिर यहां से 1.5। ये जो हमें डॉट मिली है, ये हमें जो बच्चे की गोलाई होती है गर्दन की, उसका मार्जिन मिला होता है। अब ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से चेस्ट का 12 अगेन आगे जाना है और एक डॉट लगा लेना है, ये ऐसे चेस्ट का 12 फिर चेस्ट का 12 फिर अंदर की तरफ भी चेस्ट का 12, ये हमें मिल गया। अब क्या करना है, इस डॉट को, ये जो हमारे डॉट है इसको पकड़ते हुए, हमारा जो चेस्ट का 12 हमें मिला था ये इससे मिला देना है, ये गोलाई कर देंगे। फिर उसके बाद इसको और यहां लाके हमें मिलाना है, हमें ये देखना है कि हम इसकी गोलाई किस हिसाब से करेंगे। इसको उठाना है यहां से हल्का हल्का उठाते हुए और इस लेंथ की सेंटर को टच करते हुए हमें यहां पे लाके इसको मिला देना है। अब ये देखो, ये आपका जो बिब है वो बन के रेडी हो गया है। ये हमेशा टू लेयर में तैयार होता है, ये हमारी फोल्ड साइड है ये वाली, ये यहां से ये आपका जो नेक का गोलाई बनेगी वो रेडी हो जाती है ये वाली, और ये आपका बाहर का हिस्सा होता है, ये फोल्ड साइड है। अब इस पे आप यहां पे ये जो आपकी स्टेप है यहां पे डोरिया बना देते हो ऐसे, तो हमारी ये जो ड्राफ्टिंग है ये बनके रेडी हो गई है पिप की। थैंक यू।